हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास सेवन्थ की इंग्लिश फेरी का चैप्टर वन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। इस स्टोरी का नाम है आफ्टर 20 इयर्स और ये स्टोरी बेस्ड है फ्रेंडशिप के ऊपर। ठीक है, तो इस स्टोरी में आफ्टर 20 इयर्स, जैसे आपको पता चल रहा है, 20 साल के बाद क्या कहानी है। सस्पेंस थ्रिलर है एक तरीके से, तो देखिएगा क्या सस्पेंस है इसमें। बहुत ही ध्यान लगाते हुए, मन लगाते हुए आप इसे सुनेंगे। पहले हम वार्म अप कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। एक बार फोकस करें। इमेजिन यू आर मीटिंग योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर 5 ईयर्स। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से 5 साल के बाद मिलते हैं। हाउ विल यू फील व्हेन यू मीट हिम और हर, मतलब आपको कैसा लगेगा जब आप उससे मिलेंगे तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, व्हाट विल यू आस्क हिम, और इतना समय के बाद जब आप मिल रहे हैं तो क्या पूछेंगे आप उसे। मेक ए नोट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड डिस्कस विद योर एल्बो पार्टनर्स। कहने का मीनिंग ये है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन अपने मन में जनरेट करिए और ऐसे प्रिपेयर करिए, जब आप मिलेंगे अपने फ्रेंड से तो आप पूछिएगा कि इसका एक्चुअली आंसर क्या हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। स्टोरी को पढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप अपनी नोटबुक्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। नोटबुक में जो इंडेक्स होगा उसमें आप चैप्टर मेंशन कर दें। ठीक है, और जब आप लेसन प्लानिंग करेंगे तो लेसन प्लानिंग में चैप्टर लिखिएगा। चैप्टर लिखने के बाद में इसको लिखा है जिमी ने, तो उनका आप नाम लिखेंगे और सबसे पहले आप उस चैप्टर के हार्ड वर्ड लिखेंगे। ठीक है, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ वो हार्ड वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो अब मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान दें सारे बच्चे। देखिए यहाँ से, द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू। एवेन्यू मीन्स होता है स्ट्रीट, सड़क। एवेन्यू मीन्स होता है सड़क। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, एक पुलिसमैन है। आप पहले, सबसे पहले पिक्चर को देखिए। देखिए अब आपको, देखिए यहाँ पे 2 पर्सन दिखाए गए हैं। एक पर्सन है जिसके हाथ में एक सिगार है, उसको उसने लिट किया हुआ है, और उसके जस्ट पास में ही एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है। ये जो पुलिसमैन है, ये गश्त लगाने वाला व्यक्ति है जो रात में नाइट शिफ्ट में यहाँ से वहाँ घूमते हैं और हम सबकी घर की रखवाली करते हैं। तो वो नाइट शिफ्ट में अपना वर्क कर रहा है। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली, मीन्स टू से द पर्सन वॉज मूविंग कॉन्फिडेंटली ऑन द स्ट्रीट। अब एवेन्यू अंडरलाइन कराया है, तो ये एवेन्यू आपका हार्ड वर्ड हो गया, इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। फिर देखिए, द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। इम्प्रेसिवनेस, उसका जो इम्प्रेशन था, उसका जो कॉन्फिडेंस था, वो नेचुरल था, नॉर्मल था, कोई दिखावटी नहीं था। एंड नॉट फॉर शो, ये दिखावे के लिए नहीं था, ये उसका वर्क था, ये उसकी जॉब थी और उसको वो ध्यान से कर रहा था। फॉर स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है दर्शक, देखने वाले, जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग क्राउड है। वर्फ्यू, वहाँ पर लोगों की संख्या नाम मात्र के बराबर थी। द टाइम वॉज बियरली 10 o'clock, और ये रात का 10 बजे का टाइमिंग था, हार्डली 10 बजे थे रात के। बट चिली गस्ट, गस्ट ये भी हार्ड वर्ड है, गस्ट का मतलब होता थपेड़े, हवा के जो थपेड़े हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, विथ अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम एट नियरली डी पीपल द स्ट्रीट। और इस ठंडी हवा के चलते क्या है, लोग बाग वहाँ से सड़क पे नहीं निकल रहे हैं, और बिल्कुल डी पीपल, डी पीपल का मीनिंग आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है, इसका मीनिंग होता है विदाउट पीपल, सड़क बिल्कुल खाली है और लोग बाग वहाँ पर आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ से, द स्ट्रीट्स, यहाँ से देखिए, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, यानी कि वो जैसे रात में जो गश्त लगाने वाले होते हैं, कहते हैं जागते रहो, पहरेदार जो होते हैं, वो उसी तरीके से लोगों को अलर्ट कर रहा है, कितना गहरी नींद में ना सोएं, ध्यान रखें। द ऑफिसर वेंट इज स्टॉलवर्ट फ्रॉम फॉर्म एंड स्लाइट स्वेगर, धीरे धीरे कॉन्फिडेंटली मूव करता चला जा रहा है। स्टॉलवर्ट का मीनिंग भी ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। स्टॉलवर्ट क्या होता है, स्ट्रांगली बिल्ट, ठीक है, स्ट्रांगली बिल्ट फॉर्म, यानी कि उसकी बॉडी बिल्डिंग है अच्छा, गठीले शरीर का वो व्यक्ति है। एंड स्लाइट स्वेगर, स्वेगर का मीनिंग भी ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, टू वॉक कॉन्फिडेंटली, मीन्स टू से द पर्सन वॉज मूविंग कॉन्फिडेंटली ऑन द वे, मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्जियन ऑफ पीस, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है गार्जियन ऑफ पीस। गार्जियन भी एक हार्ड वर्ड है, देखिए
इसको भी आप लिख लेंगे। ये यहाँ पे पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीसफुल एटीट्यूड को शो कर रहा है। व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ अ सर्टेन ब्लॉक द पुलिस सडनली स्लोड हिज वॉक, तभी सड़क के बीचों बीच धीरे से चलते चलते उसने अपने कदमों की आहट को स्लो कर दिया, यानी कि अपने पैरों की रफ्तार को, अपने चहलकदमी को धीरे कर दिया। अब ऐसा उसने क्यों किया है वो हम देखेंगे अपने आगे की वीडियो में। तब तक आप इतना दोबारा से अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लें, और जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं उनको आप हार्ड वर्ड्स के फॉर्म में अपनी कॉपी में मेंशन कर लें।